अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स क्या? टॉप 5 है। एंड तो क्या निकालते हैं? एक कोन मेरा कैसा होता है? ये कोन होता है, ठीक है, अगर ऐसा ही कोन होता है ना, इसको क्या अगर अपोजिट उल्टा कर देना है तो उल्टा कर दो तो ऐसा हो जाएगा ये मेरा, और ये क्या बन जाएगा? एक वेसल बन जाएगा। ओके, आप बोल रहे हैं इसकी हाइट कितना? 8 है, और इसका ये जो है रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ, जितना बोल रहे हैं पहले उतना लिख दो। ओके, फिर ये क्या हाइट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना? 8 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते गए। एंड इट्स फिल्ड विद वाटर से कर दिया, ठीक है, यहाँ तक तो वाटर से लेवल कर दिए। फिर जैसे यहाँ पे लेड्स और डालते हैं कुछ, ठीक है, लेड्स का पेबल्स वगैरह, तो ईच ऑफ इज स्फेयर, उसका स्फेयर का जो है ना एक एक गोल गोल डाल रहे हैं इसके नीचे, तो उसकी स्फेयर का 0.5, तो यहाँ पे 2 रेडियस होंगे, तो इसको मान लो R1, ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग R1, इसको मान लो R2, ठीक है, रेडियस ऑफ लेट्स ऑफ तो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास क्या है ना, फिर बोल रहे क्या कितने डालेंगे जो इसके ऊपर से पानी गिरने लगे किसी भी चीज़ में, तो हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ लिख देते हैं कमेंट्स। लेट एंड नंबर ऑफ लेट्स, और क्यों दिया हुआ नहीं है, यही तो निकालना है। ओके, ठीक है, वर ड्रॉप्ड इन द वेसल्स, कहाँ पे? इन द वेसल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, ठीक है, और क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड्स, ठीक है, ड्रॉप्ड कितना डाला गया, कितना? 1/4 काम किया, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स, और ये कितना क्या? एंड नंबर, एंड नंबर मतलब स्फेयर, तो πr³, और ये 2, ठीक है, तो 1/4 कोन का क्या होता है? 1/3 πr² h, आर यहाँ 1 है, एन इंटू क्या होगा? 4/3 πr³, ठीक है। अभी एन निकालना है, तो एन निकाल देंगे हम लोग, तो ये गोज आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या हमारे पास? ये r² h एन इंटू 16, ये ऊपर जाएगा तो 16 होगा πr³, ठीक है, तो इसका आर कितना था? 5, इसका आर कितना है? 5² × 8, एन कितना हो गया? 16, ये तो कैंसिल ही है ना, r³ कितना है मेरे पास? तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5 का 3, ठीक है, अगर इसको कैलसी कर दो कितना हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है, n² क्या हो जाएगा मेरे पास? इधर डाल दो, ये 25 × 8 बाय क्या हो जाएगा? 16 × ये, तो इसको क्या करो पूरा 25, तो 1 0.125, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा इसकी? इसके वेट क्या? 25 वेट से कितना होगा फिर? तो इसको कैलकुलेट कर दो, इसके ऊपर जाएंगे 200 × 1000, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2, तो ये कैंसिल, 2 तो ये 100 कितना देगी? 100, इतना लेट्स। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं।